सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस टुडे वी आर डिस्कसेस अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें तो आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है कॉमर्स यूजीसी नेट जे तो इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो है यूनिट नाइन का टॉपिक लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इसमें बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का और ये जो है वो पेपर टू कॉमर्स के लिए बेनिफिट होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम इसमें पूरी सीरीज़ बनाएंगे हर एक यूनिट को कवर अप करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश आंसर को भी डिस्कस करेंगे सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें सो फर्स्ट हम यहां पर पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेवेंटी टू सो इसका 1872 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जब स्टेब्लिश हुआ था तो वो जो डेट थी वो थी फर्स्ट सेप्टेम्बर एटीन सेवेंटी टू अब हम पहले जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके लिए मैंने यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हैं एग्रीमेंट और सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट क्या होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ प्रॉमिस करता है कि मैं आपके लिए ये वर्क करूँगा तो वो क्या है एग्रीमेंट है जहाँ पर प्रॉमिस किया है उसने सिर्फ कोई लीगल रेमेडी नहीं है उसके प्रति और जहाँ दूसरी तरफ जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है वो उसे प्रॉमिस तो कर रहा है लेकिन अगर वो प्रॉमिस को निभाता नहीं है तो उसको क्या होगा उसके बदले उसे लीगल रेमेडी पे करनी पड़ेगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एग्रीमेंट प्लस असेंशियल एलिमेंट तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि एग्रीमेंट में हमारा क्या था प्रॉमिस असेंशियल एलिमेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे तो अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो हमारा क्या बनता है कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ आए यहाँ दो पर्सनस थे जिन्होंने प्रॉमिस किया प्लस उसकी क्या हुई लीगल रेमेडी हुई तो वो क्या कहलाया कॉन्ट्रैक्ट कहलाया नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू प्रिस्क्राइब द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया एंड द की की एक्ट रेगुलेटिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्ट लॉ द लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इट डिटरमाइंड द सर्कम चांसेस इन विच प्रोमिस मेड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शेल बी लीगली बाइंडिंग तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है प्रिस्क्राइब द रिलेट लॉ रिलेटिंग एक पर्सन है वो क्या कर रहा है दूसरे पर्सन को जो प्रामिस कर रहा है क्या कर रहा है ये ये पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है प्रॉमिस कर रहा है और अगर वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता तो उसके बदले उसे कुछ लीगल रेमेडी पे करनी पड़ेगी या फिर वो पर्सन जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसे प्रॉमिस किया है वो पर्सन उसकी बात नहीं मानता उसका काम नहीं करता तो उसके बदले वो क्या कर सकता है कोर्ट में केस फाइल कर सकता है तो यहाँ पर यही लिखा है लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वो लॉ से रिलेटेड होगा इन इंडिया एंड इज द की एक्ट रेगुलेटिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्ट लॉ द बेस्ड इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ इसे इंग्लिश कॉमन रो लॉ के प्रिंसिपल पे भी बेस कहा जाता है क्योंकि ये उस टाइम पे ही ये लॉ बना था इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ये क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे स्टेट सारे स्टेट में क्या है एप्लीकेबल है वो पर्सन भारत में इंडिया में कहीं पर भी रहता है किसी भी स्टेट में रहता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा उस पर एप्लीकेबल होगा इट डिटरमाइंड सरकम चांसेज इन विच प्रोमिस मेड बाय पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शेल बी लीगली तो जो प्रोमिस जो पार्टी ने दूसरी पार्टी को इस पार्टी ने दूसरी पार्टी को किए हैं कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगली बाइंडिंग तो वो क्या करता है इन दोनों के बीच एक लीगल रिलेशन क्रिएट करता है लीगली बाइंडिंग लीगल बाइंड करता है इन दोनों को कि अगर ये पर्सन इस पर्सन का जो उसने प्रॉमिस किया है अगर वो उसे पूरा नहीं करता तो उसके बदले उसे कुछ लीगल अमाउंट कुछ कंसिड्रेशन उसे पे करना पड़ेगा मैंने यहाँ पर अभी एक वर्ड बोला कंसिड्रेशन कंसिड्रेशन क्या होता है बेसिकली कंसीडरेशन का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ देना अगर किसी एक पर्सन ने कोई सामान लिया है तो उसके बदले वो क्या करेगा कुछ अमाउंट पे करेगा कुछ अमाउंट देगा तो यहाँ क्या हो रहा है कंसिड्रेशन कुछ एक्सचेंज होना अगर गुड्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं कैश एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे कंसिड्रेशन ठीक है नेक्स्ट तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एंशन इन्होंने क्या कहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एग्रीमेंट प्लस इन एसेंशियल एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट तो जाहिर है कि सबसे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट तो हो गई क्योंकि एक पर्सन जो ये पर्सन है ये दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है पहले सबसे पहले प्रॉमिस ही तो करेगा रहा करे इसने कि ये काम ये करेगा तो इनके बीच क्या हो गया एग्रीमेंट हो गया ठीक है इनफोर्सिबल बाय लॉ जब ये जो प्रॉमिस है वो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन तो ये कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच भी हो सकता है और दो से ज्यादा लोगों के बीच भी हो सकता है बाय विच राइट आर एक्वायर बाय वन और मोर टू एक्ट और फॉर बेयरनेस और द पार्टी पार्ट ऑफ द अदर और अदर्स तो यहाँ पर वही बात है कि अगर जो उसके राइट्स हैं बाई विच राइट आर एक्वायर्ड वो राइट्स कौन अक्वायर कर लेता है बाय वन और मोर टू एक्ट जो उस एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं वो और वो उसकी जो भी पार्ट जो भी उसकी लेनदारी जो भी उसका अमाउंट है वो उसके बेनेस कौन करेगा उस पार्ट को वो करेगा जो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो पर्सन नेक्स्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेलमेंट अकॉर्डिंग टू सेलमेंट ने क्या कहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एग्रीमेंट प्लस असेंशियल एलिमेंट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो वो स्टार्टिंग में होता ही है हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लीगेशन बिटवीन द पार्टीज तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है ये ऑब्लिगेशन्स डिफाइन कर रहा है कि क्या इनकी ऑब्लिगेशन हैं क्या क्या इन्हें ड्यूटीज़ क्या क्या काम इन्हें करने होंगे ये किस में है कॉन्ट्रैक्ट में है इन्होंने बताया कि ये ये इन्हें ऑब्लीगेशन पे करने पड़ेंगे ये ऑब्लिगेशन इन्हें करने होंगे क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज जो इन पार्टीज के बीच होंगे वन पार्टी टू अनदर पार्टी इन दोनों पार्टीज के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे इनके बीच क्या ऑब्लिगेशन होंगे ये सारे इस कॉन्ट्रैक्ट में होंगे नेक्स्ट यहां पर है हम इतनी देर से यहां पर देख रहे थे कि एग्रीमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल टू तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट तो हमने एग्रीमेंट जान लिया कि प्रोमिस होता है कॉन्ट्रैक्ट जान लिया कि इन दोनों को इन जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं प्रोमिस प्लस लीगल इन्फोर्समेंट या रेमेडी लीगल रेमेडी तो वो क्या बनता है कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो असेंशियल एलिमेंट बेसिकली होते क्या हैं तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दी असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट असेंशियल एलिमेंट क्या होंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सो फर्स्ट यहाँ पर है एट लीस्ट टू और मोर पार्टीज अब अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता कि वो खुद ही प्रॉमिस करे और खुद ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म करे ये पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए क्या जरूरी है कि यहाँ पर दो पार्टीज हों दो पार्टीज हों ठीक है एक वो पर्सन सेकंड दूसरा पर्सन इन दोनों पर्सन के बीच क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एटलीस्ट टू और मोर पार्टीज दो पार्टीज भी हो सकती हैं और दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अब एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है एक पर्सन ने एक ऑफ़र दिया कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो उसके बदले जो हम कंसिड्रेशन देंगे वो रुपीज थ्री करोड़ होगा लेकिन ये ऑफर जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया मिस्टर बी ने इस कौन, ये जो ऑफर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो क्या इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं तो ये बहुत जरूरी है कि जब मिस्टर ए ऑफर करें तो मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट करें तभी इन दोनों के बीच क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा आई होप आपको क्लियर है ये पॉइंट अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अब एक पर्सन है मिस्टर एक्स मान लेते हैं यहां पर इस बार हम कोई नया Mr. X और ये है मिस्टर वाई अब मिस्टर एक्स चाहते हैं कि वो अपने कुछ गुड्स जो है गुड्स जो हैं वो बीक से बनवाएं ठीक है इन्होंने अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन्होंने बोला कि ये हमारे मेरे जितने भी गुड्स हैं वो तीन महीने के अंदर मुझे गुड्स मिल जाने चाहिए तो इन लोगों ने क्या करा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें इनकी क्या इंटेंशन थी कि लीगल लीगली इंटेंशन थी इनकी कि अगर मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया है अगर मिस्टर वाई वो गुड्स नहीं बना पाते तीन महीने के बाद तो वो गुड्स को चाहे तो लेने से मना कर सकते हैं कि मैं आपके गुड्स नहीं ले रहा क्योंकि मैंने आपको तीन महीने का टाइम दिया था और आप इसे नहीं बना पाए या फिर मिस्टर एक्स उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं टाइम ये मिस्टर एक्स के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन क्रिएट हुआ लीगल रिलेशन कि अगर यहाँ पर मिस्टर वाई परफॉर्म नहीं करते तो मिस्टर एक्स उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं तो इन दोनों के बीच की, क्या थी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की सो so, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्री कंसेंट अब फ्री कंसेंट्स में यहाँ पर कुछ सब पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि ये आपको इजीली समझ आ सके फ्री कंसेंट होता क्या है करना कुछ काम करना फ्रीली कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफर दिया है तो उसे फ्रीली कैसे एक्सेप्ट करना है तो पहला वर्ड है कोरेशन कोरेशन क्या होता है कि कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए अगर यहां पर मिस्टर एक्स जबरदस्ती मिस्टर वाई से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं उनके सर पे बंदूक रखकर और मिस्टर वाई घबरा कर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तो आंसर इज़ नो क्यों क्योंकि ये वायलेंस हुआ है आईपीसी की धारा उन पर लगेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा खारिज कर दिया जाएगा तो फ्री कंसेंट नहीं है यहाँ पर मिस्टर वाई की मिस्टर एक्स के प्रति तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए फ्री कंसेंट होने चाहिए ये क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑन ऑनड इन्फ्लुएंस ऑन ऑनडियो इन्फ्लुएंस क्या होता है एक पर्सन मिस्टर ये हैं मिस्टर डॉक्टर तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने वो क्या अपने पेशेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सो आंसर इज नो क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वो पावरफुल डोमिनेटेड हैं भाई डॉक्टर जो बोलेगा वो पेशेंट को तो करना ही पड़ेगा उन्होंने मेडिसिन दी पेशेंट ने ले ली अब क्या इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर इज नो ये इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये डॉक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है पेशेंट को वो उससे पावरफुल पर्सन है हम एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं कि एक मिस्टर ए हैं जो बहुत ही रिच है और मिस्टर बी बेचारे गरीब उनके पास पैसे वगैरह नहीं हैं और मिस्टर ए उन्हें कभी भी उनकी जो प्रॉपर्टी है जो छोटी, बोटी, थोड़ी छोटी मोटी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उसको वो ले सकते हैं तो क्या इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा मैं यहाँ पर सिर्फ ऑनडियो इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूँ अनदर फैक्टर की नहीं तो यहां पर ये पर्सन क्या कर रहा है उसको डोमिनेट कर रहा है किसी एक चीज के लिए तो इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा नेक्स्ट है फ्रॉड अब फ्रॉड क्या एक पर्सन था मिस्टर ए उन्होंने क्या किया अपने आप को रॉन्ग रिप्रेजेंट किया मिस्टर बी के सामने जिससे वो क्या करें मिस्टर बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लें या कुछ काम जो वो करवाना चाहते हैं वो मिस्टर बी से करवा लें तो उन्होंने क्या किया उनकी इंटेंशन क्या थी मिस्टर ए की मिस्टर ए की इंटेंशन थी मिस्टर बी को धोखा देने की तो उनका मोटिव क्या था उनका मोटिव था उनको उनको ठगने का उनको उनके साथ फ्रॉड करने का इसलिए मिस्टर ए ने अपने आप को क्या किया रॉन्ग रिप्रेजेंट किया मिस्टर बी के सामने तो ये भी हमारी फ्री कंसेंट नहीं है नेक्स्ट यहाँ पर है मिस रिप्रेजेंटेशन मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे सपोज एक पर्सन मिस्टर ए मिस्टर ए एक लैपटॉप बेचते थे ठीक है उन्होंने कस्टमर को ये कह के बेचा कि कीबोर्ड इसके जो लैपटॉप के बटन हैं कीबोर्ड्स हैं वो बिल्कुल स्मूथली चलते हैं अच्छे से वर्क करते हैं और ये इन्होंने किसके बिहाफ़ पे बोला ये इन्होंने उस सेकंड पर्सन के बिहाफ़ पे बोला जिससे इन्होंने कंप्यूटर परचेज किया है कस्टमर को सेल करने के लिए क्योंकि इन्हों इस पर्सन ने मिस्टर बी ने मिस्टर ए से ऐसा कहा था इसलिए मिस्टर ए ने भी कस्टमर से ऐसा कहा तो मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई रॉन्ग प्रेजेंटेशन बट नो रियल फैक्ट और इनोसेंटली मिस्टर ए को तो इसके बारे में पता ही नहीं था वो तो इनोसेंट थे क्योंकि उनके साथ तो मिस्टर बी ने गलत किया तो ये कैस ये किस में आएगा मिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या हो रही है मिस रिप्रेजेंटेशन जिसमें जो ये पर्सन है जो ये प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहा है इसके बारे में इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है ये इनोसेंट है यहाँ पर और अगर कीबोर्ड नहीं चल रहे तो ये जो है ये इस पर्सन की गलती क्योंकि इसने इसे गलत इन्फॉर्मेशन दी और इसके थ्रू इसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर मिस्टेक अब मिस्टेक क्या होता है मिसकनसेप्शेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन अब एक पार्टी थी मिस्टर कोई अलग सा नाम लेते हैं हम पी इसने मिस्टर के के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मेरे जो हैं दिल्ली में दहली में जो हैं वो मेरे पास फोर काओ हैं और वो मैं तुम्हें सेल करता हूँ मिस्टर के एग्री उन्होंने फटाफट पेमेंट कर दी मिस्टर पी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कलकत्ता में कहाँ हुआ कलकत्ता में ठीक है जब इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मिस्टर पी और मिस्टर के ये बात नहीं जानते थे कि जो दिल्ली में गए हैं जो काओ है चार काए काओ वो क्या हो गई हैं उनकी डेथ हो गई है यहाँ पर और इसके बारे में ना तो मिस्टर पी जानते थे और ना ही मिस्टर के तो ये जो इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हो गया नल एंड वाइड वो क्यों हो गया क्योंकि बाय मिस्टेक हुआ ना ही इसमें मिस्टर पी की गलती थी और ना ही मिस्टर के की दोनों की ही गलती नहीं थी सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहां पर है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अब मिस्टर एच जो हैं वो मिस्टर एफ़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कैसा कॉन्ट्रैक्ट कि तुम जाओ चाँद पर और सारे तारे तारे तोड़ कर लेकर आओ क्या ये पॉसिबल है तो आंसर इज़ नो ये तो पॉसिबल ही नहीं है वो तो कैसे सारे तारे तोड़ के ला सकते हैं तो क्या ये परफॉर्म हो सकता है नहीं हो सकता तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है ये परफॉर्म हो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मिस्टर एफ जाके आसमान में जाएं और सारे तारे तोड़कर ले आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है जिसमें पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस की नहीं होती मतलब उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का हो सकता था अनदर का हो सकता था लेकिन तारे तोड़ना पॉसिबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अब एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उनकी क्या कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता अगर वो एटीन ईयर्स से छोटा है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मानते अगर ये पर्सन मिस्टर एच मिस्टर एफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करता है गुड्स से रिलेटेड या फाइनेंस पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा अनसाउंडेड माइंड नहीं होना चाहिए डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए अनसाउंडेड का माइंड का मतलब होता है कि जिसका माइंड ठीक ना हो जो अदर एक्टिविटी करे लाइक पागल समथिंग आप इसे कह सकते हैं डिसक्वालिफाइड बाय लॉ डिसक्वालिफाइड ओ लॉ से अलाइन एनिमी एनिमी नहीं होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती इनकी कैपेसिटी नहीं होती हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आने की माइनर अनसाउंडेड माइंड और डिसकॉलीफाइड बाय लॉ अलाइन एनिमी अगर अलाइन एनिमी है वो पड़ोसी का देश का तो उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मानेंगे डिसकॉलीफाइड बाय लॉ अगर लॉ ने ही उसे मना कर रखा है उसे उसे किसी मुज उसने कोई जुर्म किया हुआ है या कुछ करा हुआ है कोई अदर एक्टिविटी तो वो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है तो वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें सो ये फोर पॉइंट थे कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट के नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहां पर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एक पर्सन सेकंड पर्सन एक पर्सन मिस्टर ए सेकंड पर्सन इज मिस्टर बी लॉफुल object अब मिस्टर ए ने कहा मैं आपको मिस्टर बी एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ कि आप जाके मिस्टर सी जो है उसका मर्डर कर दो क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है तो आंसर इज़ नो लॉफुल ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं क्योंकि किसी का मर्डर करना तो हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा इज नो no. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला कहलाएगा तो क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो लॉफुल हो जो लॉफुल ऑब्जेक्ट को फुलफिल करे और जिसके बीच में क्या हो कंसिड्रेशन कंसिड्रेशन मैंने आपको बताया था एक्सचेंज एक्सचेंज हो अगर वो गुड्स दे रहा है तो उसके बदले उसे क्या मिले कैश मिले इन रिटर्न समथिंग कुछ मिलना वो कहलाता है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीड्रेशन नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिक्वेंस अब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कॉन्सिक्वेंस होता है कि अगर मिस्टर ए ने के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो अगर जो मिस्टर ए उसे बताना चाहता है मिस्टर बी को मिस्टर बी भी वही समझे कुछ और एज्यूम ना करे कि मैंने तो ये सोचा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड है और मिस्टर ए एक्स टॉपिक डिस्क्राइब कर रहा है और मिस्टर बी वाई टॉपिक समझ के बैठे हैं तो कॉन्सिक्यूंस और जो मिस्टर ए समझाना चाहता है मिस्टर बी के माइंड में भी वही थॉट हो वही टॉपिक उसको समझ आए जो मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेस डिक्लेयर वॉइड बाय द लॉ अगर जो हमारा एग्रीमेंट है एग्रीमेंट है जो वो किसके लिए आ, वो कैसे वॉइड होगा अगर ये मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कोई शर्त लगा लेते हैं कि शर्त लगाओ जैसे सट्टा वगैरह होता है तो ये क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए ये शर्त सट्टे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते तो एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेस डिक्लेयर बाय वॉइड बाई द लॉ जिसे लॉ क्या करता है वॉइड करता है वो नहीं होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के बीच मिस्टर ए और मिस्टर बी इन दोनों पार्टीज के बीच अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए उसमें सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल होनी चाहिए सो so फ्रेंड्स जो हमने अभी तक पढ़ा उसे हम एक बार सम कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा एग्रीमेंट प्लस असेंशियल एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है प्रॉमिस और असेंशियल एलिमेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए थे फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या डिस्कस किया था एटलीस्ट टू और मोर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होगा टू और मोर पार्टीज के बीच नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक पर्सन ऑफर देगा सेकेंड पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था इंटेंशन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप उनके बीच क्या हो इंटेंशंस हो कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा नेक्स्ट है फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि वो वायलेंस नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए कोरेशन ऑनड्यो इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक्स ये सब नहीं होना चाहिए वो फ्री कंसेंट होना चाहिए नेक्स्ट हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया था पॉइंट वो डिस्कस किया था पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्या हो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो तारे तोड़ के नहीं ला सकते ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता नेक्स्ट था कैपेसिटी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके उसे मैंने आपको बताया था कि माइनर नहीं हो सकता अनसाउंडेड माइंड नहीं हो सकता डिसकॉलीफाइड बाई लॉ नहीं हो सकता एंड अलाइन एनिमी भी नहीं हो सकता नेक्स्ट हमने उसमें पढ़ा था डिस्कस किया था लॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिड्रेशन तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होना चाहिए लॉफुल ऑब्जेक्टिव और उसके बदले उसे कुछ ना कुछ कंसिड्रेशन मिलना चाहिए नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया था कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि जो एक पर्सन सोच रहा है दूसरा पर्सन भी वही सोचे नेक्स्ट हमने यहाँ डिस्कस किया था एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेस डिक्लेयर वॉइड बाय द लॉ तो वो सट्टे या शर्त लगाने के लिए नहीं होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए नेक्स्ट हमने पॉइंट जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटी हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की वो सारी फुलफिल होनी चाहिए सो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो ये जो हमने यू जी सी नेट जे आर एफ की सीरीज़ स्टार्ट की है कॉमर्स की पेपर टू की ये कॉन्टिन्यू रहेगी इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अभी हमने यूनिट नाइन स्टार्ट की है कॉमर्स की जिसमें लीगल एस्पेक्ट का हमारा भी चल रहा है टॉपिक तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू